वालेकुम रशीद सर। अच्छा, हम थोड़ी देर और वेट करेंगे आपके बाकी मेट्स का, जैसे ही वो आते हैं तो हम क्लास शुरू कर देते हैं। ठीक है, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है आवाज़। थैंक्स। ये लेक्चर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और जो इससे पहले हुआ है उसकी मैं यूट्यूब पे का लिंक आपको भी थोड़ी देर में शेयर कर देता हूँ। ठीक है, क्या हाल सर? कैसे? अच्छा जी, हम कैरी ऑन करें कि अभी हमने कुछ और मिनट वेट करना है? सर कैरी ऑन करता, सर वो लोग आ जाएंगे। ओके जी, थैंक्स। अच्छा, इसमें जो दो हमने चीज़ें देखी, एज और जेंडर या सेक्स के बारे में, वो यहाँ तक अभी सबको क्लियर है? इसमें तो किसी किस्म को कोई एम्प्यूटी नहीं है किसी को भी? ऐसा क्लियर है, आगे चल। ओके जी, थैंक्स। अच्छा, इसी तरह अगर हम जो नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक, वो हमारा है रेस का और एथनिसिटी का। रेस को आप क्या समझते हैं? रेस और एथनिसिटी को क्या समझते हैं जी आप? अगर हम पाकिस्तान में रहते हुए बात करें तो रेस और एथनिसिटी से आप क्या आपकी समझ है? यहाँ पे हर किसी को ये है कि हम आगे बढ़ बढ़ के काम करेंगे। नहीं, जो मैं आपसे सिंपल बात पूछ कर कह रहा हूँ वो ये है कि रेस और एथनिसिटी के आपकी क्या ओपिनियन है इसके ऊपर, कि ये क्या है और क्या पाकिस्तान में वाकई डिफरेंट रेसेस और डिफरेंट एथनिसिटी एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं करती, इसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सर इसमें तो ये एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि कोई कोई बिजनेस है किसी का, अब उसके बाद बिजनेस उसके बाद उसने अपने बेटे को हैंडओवर कर दिया, जब वो रिटायर होगा तो उसका बेटा संभाल लेगा, तो उसके बाद ऐसे सर चेंज चलती है एथनिसिटी, तो इसको कह सकते हैं। नहीं, ये आप जो है इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं, उसकी मैं सजेस्ट बात नहीं कर रहा, बात सिंपल। अच्छा, रेस का और एथनिसिटी का आप उर्दू में क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं? अगर इसकी आप ट्रांसलेशन करें तो क्या बनता है? नस्ल।
नसर दर नसर जैसे चलता है ना, वो इसका ये मतलब। जी जी पिछले सर आप बात करें, आप बात थोड़ी सी रेलिवेंट बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा फोकस होके करेंगे तो शायद आप बात ठीक हम बात तक पहुंच जाएंगे। के ऊपर हम अगर इसको लेके चले तो इसमें ये देख सकते हैं ना, जैसे सर जैसे आप एक बंदे कोई ऑनर है कंपनी का, अब वो उसके साथ उसके जाहिर सी बात है, और जब वो ऑनर है वो उसके बेटी भी उसके साथ वर्क कर रहे हैं, तो फ्यूचर में वो ये सोचता है कि चलो अगर मैं नहीं भी हुआ अगर तो उसके बाद वो मेरे बेटे वो संभाल लेंगे कंपनी। तो इस तरह से एथनिसिटी को हम ले सकते हैं सर, इसका मतलब ये कि मतलब नस्ल दर नस्ल चल रहा होता है जैसे। नहीं नहीं ये नहीं है यहाँ पे, मैंने इसलिए ये कहा कि अगर हम इसकी ट्रांसलेशन देख लें रेस और एथनिसिटी की तो हमें मामला समझ आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली ये जब हम डाइवर्सिफिकेशन देख रहे थे, डाइवर्सिफाइड कल्चर देख रहे थे, डाइवर्सिफाइड बिहेवियर्स देख रहे थे, तो उसी में भी हमने ये बात किसी हद तक कवर की थी। वही चीज़ें जो हैं वो आपकी रेस और एथनिसिटी में आती है। मसलन रेस को अगर आप उर्दू में हम बात करें तो कबीले की शक्ल आप कहने, ठीक है, एक कबीला जो है, ठीक है। इसी तरह आप एथनिसिटी की बात करें तो एक जो है कबीले से एक मुख्तलिफ कबाइल मिल के जो एक बड़ा ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं, जैसे पंजाबी ग्रुप बना है पाकिस्तान में, जैसे पश्तून ग्रुप है, जैसे महाजर ग्रुप है, जैसे पाकिस्तान में सिंधी ग्रुप है, ठीक है, ऐसे पाकिस्तान में बलोची ग्रुप है। तो ये है आपके एथनिसिटी की एग्जांपल्स है, ठीक है। अब इन चीज़ों का इम्पैक्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में क्या हो रहा है और कैसा है, तो इसके ऊपर हमने जो है वो डिस्कशन करनी है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? इसमें ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर फोकस नहीं होगा हमारा। सॉरी आवाज मुझे भी नहीं आ रही आपकी, क्या कह रहे हैं सर? जैसे मैंने एग्जांपल दी थी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसमें हम वो नहीं देख सकते इसमें? नहीं, बेसिकली वो जो एग्जांपल है वो सच एज फिट नहीं बैठती, ठीक है, क्योंकि हम देखें ऑर्गेनाइजेशन एक जनरल में आपको जो एक रियल लाइफ है, ठीक है, दुनिया में कोई भी बिजनेस है, ठीक है, तो वो ऑनर की अपनी मर्जी के ऊपर है, बिल के ऊपर है कि वो किसको ट्रांसफर करे इसका, ठीक है, ये पूरी दुनिया में यही रूल एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और आम तौर के ऊपर जो है अपनी बिजनेस हो, आपके वेल्थ हो, ठीक है, वो आप जो है अपने फर्स्ट ब्लड को ही ट्रांसफर करते हैं। ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, ठीक है, तो उसका एक इम्पैक्ट तो है आप जो बात कर रहे हैं, लेकिन ये रियल वर्ल्ड में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक आपका एम्प्लॉय जो है वो आपके फर्स्ट ब्लड में नहीं है और आप जो है उसकी सिंपल परफॉर्मेंस की वजह से ही अपनी सारी वेल्थ उसके नाम ट्रांसफर कर दें। मैंने इसकी एग्जाम्पल अभी तक देखी नहीं और ना ही सुना है, मैं आपको सही बताऊं, ठीक है। आम तौर के ऊपर ये पूरी दुनिया में ही, मैं बाप से बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया में ही जो वेल्थ ट्रांसफर है वो फर्स्ट ब्लड को ही की जाती है, ठीक है। तो इस वक्त हम जो पॉइंट आपसे कर रहे हैं डिस्कस, वो जो जिसके ऊपर फोकस है वो ये है कि जो मुख्तलिफ कबीले हैं और जो मुख्तलिफ कबाइल के एथनिसिटी है वो ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह मैटर करती है, ठीक है। और आया के जो मैं आपसे रेलिवेंट बात पूछ रहा था वो ये पूछ रहा था कि रेस पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है, अगर करती है तो वो कौन सी है, और एथनिसिटी की तो एग्जांपल्स मैंने आपको दे भी दी है, ठीक है। तो अब ये वाली एग्जांपल्स हैं ये ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से मैनेज करते हैं, किस तरीके से काम कर रही है और इनको हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है जी। वालेकुम सलाम, ठीक ठाक आप सुना?
जी आप में से कोई बात इस पे करना चाह रहे हो तो करें। सर मतलब सर कंपटीशन ले सकते हैं हम इसको कंपटीशन की बेस पे। सॉरी क्या कह रहे हैं आप? आपने बोला ना रेस को आप किस तरह लेंगे सर, कंपटीशन भी तो आ सकता है ना सर इसमें। मतलब हर कोई आजकल तो कंपटीशन ही करता है ना एक दूसरे से, मैच से इतना कंपटीशन है आज मार्केट में। बिल्कुल जी, रेसेस मुख्तलिफ रेसेस की वजह से आप एक कंपेटिटिव एनवायरनमेंट जो है वो ला सकते हैं, लेकिन ये एक नेगेटिव बात होगी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। मैं आपको सही बात बताऊं जी सर, जी जी हर कोई आगे निकल रहा दूसरों से, क्योंकि सर वो गलत तरीके से भी वो हो जाता है, इसलिए वो नेगेटिव रहता है इम्पैक्ट इसका ना, जी लोग गलत तरीके से भी आगे निकल जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर मसलन आपकी ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन इस वजह से मिल रही है कि कोई पठान है, ठीक है, या कोई पंजाबी है या कोई सिंधी है, तो फिर आपके जो बाकी एम्प्लॉयज होंगे वो काम नहीं करेंगे। ये मैं आपको बिल्कुल सही बात बता दूं। बल्कि जैसे उन्हें कोई दूसरी जॉब मिली उससे थोड़े कम लेवल की भी मिलेगी वो छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है। तो ये है बेसिकली इस चीज को हम कवर अप ऐसे कर सकते हैं कि हम एक्सेप्ट करें, एक हमें एक्सेप्टेंस लेवल होना चाहिए हर किसी हर तरह के लोगों के लिए, ठीक है। हर ये हम डिस्क्रिमिनेशन में भी चीज़ों को बड़ा डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो जो आपकी पॉजिटिव डाइवर्सिटी होगी वो ये होगी, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इंक्लूसिव करे, इंक्लूसिवनेस लेके आए हर किसी के लिए, ठीक है, वो अपने हर डिसीजन में हर किसी को शामिल करे। तो ये काम करने से ये जो आप बात कर रहे हैं वो मामला कम हो जाएंगे, जो नेगेटिविटी है इस मामले की जो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है वो कम हो जाता है, ठीक है जी। जी सर। अच्छा इसमें अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें डिसेबिलिटी की, तो ये आप क्या समझते हैं कि इस पे भी आप अपनी थॉट शेयर करना चाहेंगे? सर डिसेबिलिटी मतलब सर कोई काम करने की सलाहियत ना हो या किसी कोई एक चीज करने की सलाहियत ना हो, डिसेबिलिटी आ जाती है यहाँ पे। बिल्कुल यही है। अच्छा इसमें अब आप ये बताएं कि ये अगर डिसेबिलिटी है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, यानी सॉरी किसी इंडिविजुअल लेवल के ऊपर है, तो ऑर्गेनाइजेशन का क्या बिहेवियर होना चाहिए इसको टैकल करने के लिए? और इसके कोई अगर आपके जेहन में कोई एग्जांपल आ रही हो तो वो बताएं। सर मतलब अगर कोई आपके ऑर्गेनाइज में डिसेबिलिटी वाला बंदा है कोई, जिसके ऐसे ऐसा वो है जिसके साथ डिसेबल वाला मामला है, तो सर आप उसको उसी के हिसाब से काम देंगे अगर उसके इतना ज्यादा वक्त नहीं डालेंगे जो वो कर सकता है, फिर आप उसको ये दे सकते हैं कि भाई आपको इतना काम जो आपकी एबिलिटी है उस हिसाब से आप कर सकते हो। क्योंकि जो नॉर्मल जो बंदा होता है चलो वो तो एक्स्ट्रा भी काम कर लेगा, लेकिन जो डिसेबल बंदा होगा वो नहीं कर पाएगा एक्स्ट्रा काम, उसकी एबिलिटी नहीं है। बिल्कुल आप सही बात कर सकता है वो सही, उतना ही काम कर सकते हैं लिमिटेड टाइम में सिर्फ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा इसकी कोई आप एवरीडे लाइफ में कोई एग्जांपल आप कोट कर सकते हो तो करें प्लीज। कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बताएं जिन्होंने डिसेबल लोगों के लिए कोई ऐसा काम किया हो जिससे उन्हें फीलिंग मिली हो कि जो है हम एक तो काम अपना खुद कर सकते हैं, हम अपना पैसे खुद कमा सकते हैं और हम बोझ नहीं है किसी के ऊपर, और इस तरह की एक्टिविटीज किसी ने प्रमोट की हो तो आप बताएं। कोई ऐसे जो हमारे फाउंडेशन वगैरह हैं, ये ईदी फाउंडेशन जो है सर, उसमें ये बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं
सर वो उनको वहाँ पे वो उनको उनकी पढ़ाई भी करवाते हैं, उनको तालीम भी दे रहे हैं, उनको बता सिखा भी रहे हैं किस तरह अपनी लाइफ उनको गुजारनी है, उनको बता रहे हैं, मतलब उनको ये बताते हैं कि आप किसी का मोहताज नहीं बने, वो कल को वो खुद स्टेबल हो सके, इतना इतना वो उन सब बताते हैं उनको। बिल्कुल सही है, यानी ठीक है, आपने उनकी जो डिसेबिलिटी ये थी कि वो इलिटरेट थे, ठीक है, तो एडी ऑर्गेनाइजेशन ने उनकी डिसेबिलिटी को अबिलिटी बना दिया बेसिकली, जब उन्हें वो पढ़ाना शुरू कर दिया तो उन्हें उसके काम के काबिल कर दिया। ये आपकी एक एग्जांपल ये हो सकती है। अच्छा, जो मैं पूछा था मतलब एक डिसेबल पर्सन है, अल्लाह ना करे डिसेबल, आप समझ रहे हैं कि मैं कैसे कह रहा हूँ, ठीक है, कोई ऐसा आदमी जिसकी टांगे नहीं है या बाजू नहीं है, ठीक है, तो एक ऐसा आदमी जो है इस तरह के अगर ग्रुप ऑफ पीपल हो या ब्लाइंड पीपल हो, तो उनके लिए किसी कोई ऑर्गेनाइजेशन ने भी इनिशिएटिव लिया हो जिसमें उन्होंने को काम किया हो ताकि ये लोग प्रमोट हो सके और बता सके कि उन्होंने ये काम किया है, दे आर कैपेबल टू डू दीज थिंग्स, उसकी कोई एग्जांपल जी अगर आप कोई शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। सर ये तो नहीं पता कि किसने ऑर्गेनाइजेशन ने क्या काम करा, लेकिन सर इस पे काम बहुत हो रहा है क्योंकि इतने सारे फाउंडेशन खुल गए, ईदी हो गए, जेडीसी वाले अच्छा काम कर रहे हैं और सैलानी वाले, सर हर कोई उस पे वर्क कर रहा है, लेकिन उस पे कोई ऐसा हमने बड़ा नहीं है देखा नहीं है कि कहीं किसी ने इतना कोई किसी बंदे को बिल्कुल एबल कर दिया हो सब कुछ करने के सही, लिए, ठीक वो नहीं है, पता। चले बिल्कुल, आपने पाकिस्तान के ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर मैंने भी ऐसी कभी बात नहीं सुनी कि आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के लेवल को थोड़ा कंट्री लेवल के ऊपर ले जाएं, तो पाकिस्तान में कोई एक ऐसी एसोसिएशन या कोई एक ऐसी बॉडी जिसने इस काम को प्रमोट करने के लिए काम किया हो, बेशक उन्होंने इस ट्रेंड को फॉलो ही किया हो दुनिया के किसी और ट्रेंड से, जैसे पैरा ओलंपिक्स की मैं आपको एग्जांपल दूँ, वो सर्टन डिज़ाइन ही इसलिए किए गए हैं कि जो लोग किसी किस्म की जिन्हें कोई प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए अलग से स्पोर्ट्स इवेंट मैनेज किया जाए ताकि वो अपना कॉन्फिडेंस ले सके और वो बता सकें कि दे कैन डू दैट एज वेल, तो उसकी कोई एग्जांपल आप दे सकते हैं जी यहाँ पे, और उसमें पाकिस्तान एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है एंड दे आर डूइंग रियली गुड, मैंने आपको हिंट दे दिया इसमें। सर ओलंपिक्स की बात कर रहे हैं किसकी कह रहे हैं आप? सर आपने बोला ना ओलंपिक्स की कोई बात करी ना, पाकिस्तान ओलंपिक्स, जी जी जो पैरा ओलंपिक्स के नाम से ये होते हैं जी, जब भी ओलंपिक्स होते हैं ओलंपिक्स से पहले पैरा ओलंपिक्स अरेंज करते हैं फिर ओलंपिक्स खेलते हैं, ठीक है, और उसमें पाकिस्तान पार्टिसिपेट एक्टिवली करता है और पाकिस्तान के बड़े अच्छे रिजल्ट हैं उसमें, पाकिस्तान में बहुत सारे टीम्स खेलती हैं। सर ऐसा तो हमने बस सर सिर्फ सोशल मीडिया पे ही देखा है, अभी वैसे कभी किसी से नहीं, सुना वो नहीं है। रियल पे हो रहा होता है ना बेसिकली, अब विशेष सर ये जो है ये जो इन्फॉर्मेशन है ये रियल दुनिया की ही बातें हैं, ठीक है, सोशल मीडिया पे है बिल्कुल। अब पाकिस्तान की जो ब्लाइंड क्रिकेट टीम है वो पार्टिसिपेट क्रिकेट के मैचेस में, और फिर उन्होंने इंडिया की टीम को कितनी दफा हराया है ये मुझे बताओ, वर्ल्ड कप के मैचेस में हराया है, और पाकिस्तान की जो नॉर्मल टीम है वो वर्ल्ड कप का एक मैच इंडिया को नहीं हरा सकी, आज तक नहीं हरा सकी, ठीक है, वर्ल्ड चैंपियन भी है बट स्टिल दे कांट डिफीट इंडिया इन वर्ल्ड कप, ठीक है, तो ये मामला अगर हम देखें तो मामला और तरीके से है, और उन्होंने प्रूव किया है दे कैन डू दैट, ठीक है, तो इसमें पाकिस्तान के भी नेकनामी है कि ये अपने इस तरह के लोग मामला खराब हैं उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, इनका प्लेटफॉर्म कंपैरेटिवली एडवांस कंट्रीज के बराबर तो नहीं है लेकिन वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड सम सॉर्ट ऑफ प्लेटफॉर्म सो दैट पीपल कुड लिव देयर लाइफ, तो ये हम उसमें एग्जांपल दे सकते हैं। अच्छा, जो डिसेबिलिटी है बाज दफा एक होती है डिसेबिलिटी विजिबल डिसेबिलिटी है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि किसी कोई ब्लाइंड है, ठीक है, या किसी के हाथ पांव नहीं है, ठीक है, अब एक आपकी डिसेबिलिटी होगी जो हिडन डिसेबिलिटी होगी, हिडन डिसेबिलिटी आप जो क्या आप समझते हैं वो कौन सी डिसेबिलिटी होती है जो नजर नहीं आती लेकिन होती है? Thank you.
सर ये हो सकता है सर, जैसे कुछ लोग होते हैं सर बिल्कुल फिट पार्ट हैं, इधर कुछ ऐसे होते हैं जिनको सुनाई कम देता है, मतलब अगर जोर से आवाज दो पर सुनाई देगा, और उनको बिल्कुल सही है नजर थोड़ा कम, नजर थोड़ा इसका, कम आता है, ये हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। ये एग्जांपल्स हैं आपकी हिडन डिसेबिलिटी की, आपके साइकोलॉजिकल चेंजेस जो हैं, आपका स्लीपिंग डिसऑर्डर जो है, वो सारी एग्जांपल हैं आपके जो हिडन डिसेबिलिटीज हैं, जो हमें नज़र नहीं आ रही होती लेकिन एक्चुअल में वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है। अच्छा, उसमें उसके बाद अगर हम जो देख रहे हैं अदर बायोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में, उसमें आपका जी ट्योर आ रहा है, आपका रिलीजन आ रहा है, आपकी सेक्शुअल ओरिएंटेशन आ रही है, ठीक है, और आपकी जो है इसी में यही मैं कवर करूँगा कल्चरल आइडेंटिटी को। ठीक है, तो ये इसके बारे में आप लोग क्या समझते हैं कि ये क्या है बेसिकली, और ऑर्गेनाइजेशन का इसके साथ किस तरह इम्पैक्ट है, टेन्योर से क्या समझ रहे हैं सर? टेन्योर तो मतलब जो दौड़ जो चल रहा है, जो जनरेशन जो चल रही है हमारी, नहीं यार, टेन्योर से यार एक जनरल सा वर्ड है, सीरियसली उसी के दौड़ सर इसका एलाबोरेट मतलब ये ना, करेंगे। क्या दौड़ चल रहा है क्या नहीं चल रहा। जी, टेन्योर कह रहा हूँ जी, ये वाला बन गया। अच्छा, जी इसमें आपने एक और करेक्टर ऐड कर ले, वो है आपका कल्चरल आइडेंटिटी का। ठीक है, जो आपके अदर बायोग्राफिकल करेक्टरिस्टिक है, आपका टेन्योर, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन और आपका कल्चरल आइडेंटिटी, ये जो है ये भी आप इसमें ऐड अप कर ले। अभी आप टेन्योर के ऊपर जो बात करना चाह रहे हैं, इसकी क्या है, कोई हिंट दे रहे हैं सर किस तरह बात करें? यार मसलन सीनियर जूनियर के ऊपर ये बात करनी है, ठीक है, मैंने आपको इससे बड़ी एग्जांपल ऑफ ज्ञान दी है, वो उसी को सामने रखते हुए ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर के साथ इसको रिलेट कर लो। मसलन एक आदमी एक जगह के ऊपर 5 साल से काम कर रहा है, एक आदमी एक जगह के ऊपर 2 साल से काम कर रहा है, एक आदमी एक जगह के ऊपर 7-8 साल से काम कर रहा है, तो ये आपका टेन्योर हो जाएगा। ठीक है, अब जो आदमी 8 साल से काम कर रहा है, ठीक है, वो उसको ऑर्गेनाइजेशन कैसे देखती है, जो 5 साल से काम कर रहा है, जो 2 साल से काम कर रहा है, उसको ऑर्गेनाइजेशन कैसे देखती है, तो इस सारी जो डीलिंग है इसको हम रिलेट कर रहे हैं जी टेन्योर में, और इसका ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये यहाँ तक क्लियर है सभी को? जी सर। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई बात आप पूछना चाह रहे हैं? और इसमें ये हो सकता है सर टेन्योर में, जिस तरह आपने एग्जांपल दिए सर उसमें, तो जो 8 साल से वर्कर काम कर रहा है सर, वो कंपनी के लिए वो सीनियर के लायक उनके लिए, लेकिन उसके बाद उसका एक्सपीरियंस भी ज़्यादा होगा वर्क का, वो उसके पास थिंकिंग भी अच्छी होगी, जिस तरह उसको पता होगा कंपनी के बारे में, और जो जो उसके बाद आया है उसके उस लिहाज से वो इतना सीनियर नहीं होगा, इतनी एक्सपीरियंस नहीं होगा उसको, तो यही हो सकता है सर इसमें। बिल्कुल सही है, यानी ये जो है ये इम्पैक्ट हो सकता है जी ऑर्गेनाइजेशन का, ऑर्गेनाइजेशन इसको इस तरीके से डील कर सकती है। मैं एग्री टू मिस आपके साथ, और भी इसके दूसरी तरीके से भी इसका इम्पैक्ट हो सकता है, अदर वेज भी हो सकते हैं, या अदर वे अराउंड जा सकती है बात। ठीक है, तो अगर हम इसको सम अप करें, जी ठीक है जी, जी इसी तरह आपका रिलीजन है,
यानी ऑर्गेनाइजेशन में जो है कितने डिजिटल जो है काम कर रहे हैं, और यानी लोगों को डिजिटल किस तरह है और ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से देखती है, ठीक है। इसके ऊपर आप कोई बात करना चाहें, कोई एग्जांपल देना चाहें तो आप दे सकते हैं। सर अगर इसमें ये देख सकते हैं सर, जैसे हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में सर हो जाता है सर, ऐसा तो होता ही है, दूसरे रिलीजन के लोग भी होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ यही सोचा है कि हम सिर्फ मुस्लिम्स को जॉब ऑफर करेंगे, उसके बाद जो कोई और होगा उसको नहीं ऑफर करेंगे, तो उनका अपना लॉस है। तो उनको सबके सबको साथ लेके चलना पड़ता है, मतलब उनमें कोई, अब जो दूसरे जो रिलीजन का बंदा है उसको ऐसे हम उसको नीचा नहीं दिखा सकते, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते उसको कि भाई आप दूसरे रिलीजन के हो, आप इतना काम नहीं करोगे, आपको इतनी पे मिलेगी। सर हम सबको इक्वल लेवल पे लेके चलेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का ही फायदा होगा और एम्प्लॉयज का भी फायदा होगा। बिल्कुल ये बात सही है, और इवन ऑर्गेनाइजेशन को फायदा नहीं भी हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, लेकिन ये है कि उन्हें एथिकली जो है मॉरली उन्हें एक एडवांटेज मिल रहा होगा, ठीक है, कि वो एक ऐसे लोगों का भला कर रहे हैं जो बेचारे हेल्पलेस हैं। आप बात समझ रहे हैं, क्योंकि सम टाइम एक ऐसा टाइम भी आम तौर पे ऐसा होगा कि मेन स्ट्रीम में जो लोग होते हैं, जो हकीकत है कि अगर पाकिस्तान एक, हम पाकिस्तान की मैं एग्जांपल लेता हूँ, इसी तरह ये हर कंट्री के ऊपर ही अप्लाई होगा। पाकिस्तान में अगर मुसलमान मेन स्ट्रीम में है तो पाकिस्तान में हमारे लिए स्किल्स को गेन करना आसान है कंपैरेटिवली उन लोगों के लिए जो मेन स्ट्रीम में नहीं है। वो कोई भी हो सकते हैं, वो आपके हिंदू हैं, वो आपके क्रिश्चियन हैं, ठीक है। अब उन बेचारों के लिए उस तरह की स्किल गेन करना जो मुसलमान गेन कर सकते हैं पाकिस्तान में मुश्किल होगा, ठीक है। तो आप इस फैक्टर को मद्देनजर रखते हुए इवन आपके सामने एक मुसलमान है जो उससे स्किल्स में ज़्यादा बेटर भी है, फिर भी आप ऑफर कर देते हैं जॉब दूसरे मजहब वाले को, तो उसका शायद आपको जो दुनिया में एक नुकसान की सूरत में बात नजर आ रही होगी, ठीक है। लेकिन आप मॉरली और एथिकली आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे, और इसका रिवार्ड वो अल्लाह पाक की तरफ से आपको मिल रहा है, वो किसी दूसरे की तरफ से आपको नहीं मिल सकता, ठीक है। और इस तरह का कल्चर जो है, अब जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में मल्टीनेशनल, वो कर रही है कोशिश के वो इस तरह के मामला को प्रमोट करें, ताकि लोग जो है इन बेसिस के ऊपर उन्हें अपॉर्चुनिटी से दूर ना किया जा सके, ठीक है। एक इस यानी इसको सिंपल वर्ड्स में इस तरह हम देख सकते हैं कि एक आदमी पूरी उम्र जंगल में रहा है, ठीक है। अब उससे हम ये नहीं कह सकते कि वो फौरन आके सिविलाइज वर्ल्ड में रहेगा, जब तक हम उसे उस सिविलाइज वर्ल्ड में रहने की अपॉर्चुनिटी प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है। तो इसको एक सिंपल वर्ड में आप इस तरह हम देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर जो नेक्स्ट हम बात करेंगे वो है जी सेक्शुअल ओरिएंटेशन की, तो इसके ऊपर आप क्या बात समझते हैं, क्या बात करना चाहते हैं। सेक्शुअल ओरिएंटेशन के ऊपर आप से कोई भी बात करना चाहे तो कर सकते हैं। सर इसमें ये आ सकती है एक चीज, जैसे कि एक एक कंपनी में मेल भी काम करते हैं फीमेल भी काम करती हैं, लेकिन सर जो मेल अगर एक्सपीरियंस मेल जो है अगर मेल एक काम कर रहा है, एक कोई बंदा काम कर रहा है, उसको एक्सपीरियंस हो गया कंपनी में 1 साल 2 साल हो गया, लेकिन उसके बाद उसको जो पोस्ट उसकी बढ़ती है वह इजीली उसकी पोस्ट हाई हो जाती है, लेकिन जो
फीमेल के लिए ये चीज मुश्किल होती है सर, उनकी पोज बड़ी बड़ी मुश्किल से सर बढ़ती है सर, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है जब जाके उनकी कोई पोज हाई होती है जाके, क्योंकि लेकिन जो मेल है उनके लिए आसानी होती है सर, वो 1 साल 2 साल एक्सपीरियंस करने के बाद जितने भी जो कंपनी की जो पॉलिसी थी उसके बिहाफ पे सर उनकी जो पोस्ट होती है वो बढ़ जाती है, लेकिन इससे फीमेल की इस तरह नहीं होती सर, इसमें ये है। अच्छा चले मैं आपसे एक सिंपल सी बात करता हूँ, आप किसी जिस भी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं या आप करेंगे वहाँ पे आपको ये पता चले कि जो दो फीमेल्स काम कर रही हैं वो दोनों लेस्बियंस हैं और जो दो मेल्स काम कर रहे हैं वो दोनों गे हैं, तो आप उस पर क्या रिएक्ट करेंगे? पर उस पर तो नहीं पता सर क्या कैरी कर सकते हैं। नहीं यार अभी आप बिल्कुल आपको अपने रिएक्शन का ये तो आप ये कह रहे हैं कि आप बात करना नहीं चाह रहे इसके ऊपर, ऐसे कहें ये नहीं है इस बारे में। अच्छा बेसिकली जो अगर हम पाकिस्तानी कल्चर में रहते हुए देखें तो शायद ये एक्सेप्टेबल नहीं है, मैं आपको सही बात बताऊँ ठीक है, कहीं भी जहाँ पे ये पता चले कि ये दो लोग ये हैं या ये दो औरतें लेस्बियन हैं तो हम एज अ सोसाइटी उनको एक्सेप्ट नहीं करते ठीक है। अब अगर मैं ये आपको बात कहूँ कि ये गलत है ठीक है, तो आप कहेंगे ये वेस्टर्न एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं ठीक है, और अगर मैं आपको ये बात कहूँ कि ये सही है तो फिर मैं जो किताब आपको पढ़ा रहा हूँ उसके अगेंस्ट बात कर रहा हूँ ठीक है। तो मैं बेसिकली इसके ऊपर नो कमेंट्स के छोड़ बात करते हुए आपको ये कहता हूँ कि आप जो है रॉबर्ट पीटर की बुक पढ़ लें ठीक है, उसमें आपको बिल्कुल जो है उनका मौका देख लें वो क्या कहते हैं, या जो है आप जनरली किसी मल्टीनेशनल कंपनी का जो मैनिफेस्टो है वो देख लें उसमें वो इसके बारे में क्या कहते हैं, तो उसको जो है आप कोट कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए अगर ये आपके एग्जाम में आता है। मैं इसके ऊपर कुछ ज्यादा बात नहीं करता क्योंकि मुझे फिर आप बायस ख्याल करेंगे ठीक है, इस डर से मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता। अच्छा इससे जो नेक्स्ट मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ पॉइंट जो इधर मिसिंग है वो है जी कल्चरल आइडेंटिटी का, तो कल्चरल आइडेंटिटी से आप लोग क्या समझते हैं कि वो क्या हो सकता है? इसी को आप रिलेट कर सके कर सकते हैं जो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले जो है वो बात की है। सर मतलब ऑर्गेनाइजेशन और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है, किस तरह का कल्चर है? बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैंने अब आपको एक एग्जांपल दी कि पाकिस्तान के कल्चर में पाकिस्तान की सोसाइटी में हम जो है बायसेक्सुअल पीपल को एक्सेप्ट ही करते ठीक है, ये पाकिस्तान के एक कल्चरल की हम उसको रख सकते हैं उसको देख सकते हैं ठीक है। इसी तरह हर ट्राइब का एक सर्टन कल्चर हो सकता है ठीक है, और वो चाहेंगे कि वो उस ही कल्चर के हिसाब से रहें, जैसे अगर हम पाकिस्तान में बात करें क्लास के लोगों का एक सर्टन कल्चर है ठीक है, और उनकी प्रेफरेंस यही होगी कि वो अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को मेंटेन करें वेदर दे लिव इन पाकिस्तान और अब्रॉड ठीक है। इसी तरह आगा खान के जो लोग हैं वो ही क्लासी हैं तकरीबन, इनका आपस में कल्चर सेम है। अगर हम अफगानिस्तान के लोगों के अफगान के किसी सर्टन ट्राइब की यूसुफ जई की बात करें उस ट्राइब का एक सर्टन अपना कल्चर होगा, वो कहीं भी रहेंगे उसी को अपनाएंगे ठीक है। तो इन ये जो चीज़ें हैं इसका इम्पैक्ट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में कैसे है और ऑर्गेनाइजेशन कितना फैसिलिटेट करती है उन चीज़ों को देखने के लिए ठीक है। मसलन इस पर आप कोई एग्जांपल देना चाहें तो दे सकते हैं बात।
अरे यार कल्चर आइडेंटिटी के ऊपर कोई एग्जांपल दे दे, पाकिस्तान के हवाले से ही दे दे। सर क्या एग्जांपल होती सर इसकी? सर बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, उनका बैक डिफरेंट कल्चर से उनका बैकग्राउंड होता है, तो वो एक ही कल्चर में आके काम करते हैं एक ही कल्चर के ऊपर, तो यही हो सकता है सर इसमें तो। जी बिल्कुल बशीर साहब, आप बात सही कर रहे हैं, और इन्हीं को ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनको देखना चाहिए कि वो इन मामलों को किस तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उन्हें जगह देती हैं, ताकि वो लोग भी एडजस्ट हो सके और अपने कल्चर के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सके। मसलन पाकिस्तान में अगर कोई सिख काम करता है, ठीक है, तो वो जो क्या कहते हैं उसे टर्बन जो वो पहनते हैं, ठीक है, वो उन्होंने पहननी ही पहननी है। अब अगर पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन उनको ये अलाउ करें कि आप अपनी टर्बन पहन सकें, ठीक है, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा स्टेप होगा कि वो ये काम कर सके। इसी तरह अगर कोई जूस है जो सर्टन हम टोपी पहनते हैं, अगर वो पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं पे काम कर रहा है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन उनको ये अलाउ करे कि ठीक है आप ड्यूरिंग वर्क जो है ये पहन सकते हैं, तो वो एक उस ऑर्गेनाइजेशन का एक अच्छा बिहेवियर होगा, अच्छा जेस्चर होगा उनके कल्चर को सिक्योर करने के लिए और उनके कल्चर को इवन प्रमोट करने के लिए भी, ठीक है। तो ये एक अच्छा जेस्चर ही कंसिडर किया जाएगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। इस तरह के आप कोई भी एग्जाम्पल जो है वो आप दे सकेंगे। तो यहाँ तक सबका क्लियर है, किसी ने कोई बात पूछनी हो तो पूछ सकते हैं। क्लियर है सर। थैंक्स। अच्छा, इसमें अगर हम नेक्स्ट जो बात करना चाह रहे हैं वो करना चाह रहे हैं हम इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज की, ठीक है। फिजिकल एबिलिटी के ऊपर हम इतना फोकस नहीं करेंगे, वो हमने थोड़ा बहुत देख लिया है, ठीक है। अभी हम इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज की बात करेंगे, फिर कौन सी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज जो हैं वो किस जॉब के रोल के लिए आपको वो सूट करती हैं, ठीक है। तो ये जैसे हम फिनिश करेंगे तो हमारा टॉपिक जो है ये और कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। वो आपके ख्याल में अभी फिनिश करेंगे, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में ले जाएं, क्या कहते हैं आप? सर नेक्स्ट नेक्स्ट ले कल जाएं सर। जी चलिए जी, ठीक है, थैंक्स। अच्छा, एक रिकॉर्डिंग मैंने आपको ऑलरेडी सेंड कर दी है, इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको थोड़ी देर में सेंड कर दूंगा, और आपने कोई भी चीज़ पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं किसी भी वक्त, ठीक है। अभी इसमें से कुछ जी बात सर आपने डिस्कस करनी है, पूछनी है, डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर। ठीक है, मैं यही समझ रहा हूँ कि हमें सबको सब समझ गया ये, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। ओके थैंक यू वेरी मच जी, थैंक्स अ लॉट, स्पीक टू यू टुमारो, थैंक्स। सर, अल्लाह हाफिज़।